हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2। यूनिट 2 इज अबाउट टू बर्ड्स आई व्यू। चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड इन अवर प्रीवियस वीडियो एक्टिविटी 4। नाउ वी विल डू एक्टिविटी 5। चिल्ड्रन, वी हैव लर्न्ड इन अवर एक्टिविटी 4 अबाउट स्नैक्स। In this activity, we have given 4 different type of snacks picture and we have described all the pictures. Okay. Now in activity 5, as we have learnt in our previous activity 4, choose one snack. Okay. हमें जो आगे हमने जो 4 snacks के pictures जो देखे थे, उनमें से अभी हमें कोई एक को choose करना है and write a careful descriptions that you could tell your friend on the phone. The sentence is started for you. इस तरह हमें एक सेंटेंस यहाँ दिया है, इस तरह से आपको स्टार्ट करके अपने फ्रेंड को राइट करना है कि आप क्या उसको टेलीफोन पर कहेंगे, उस चीज को पहले आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ राइट करना है। ओके, पहले लिखेंगे आप, फिर हमें जैसे हम उसके साथ फोन में बात कर रहे इस तरह से लिखना है, और द स्टार्टिंग सेंटेंसेस हमें किस तरह से स्टार्ट करना है ये डिस्क्रिप्शंस। सो द स्नेक इन माय गार्डन, ओके, वेयर यू हैव सीन, आई हैव सीन द स्नेक इन माय गार्डन, आई वाज ग्रेटली स्केर्ड। जब आप स्नेक को देखेंगे तो क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे कि डरेंगे? स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब है डर जाना। तो आगे हमें लिखना है, जैसे द स्नेक इज इन माय गार्डन नाउ, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, आई वाज greatly, मैं एकदम से डर गई, scared या डर गया। तो it was not chasing me, I felt like running away, आपको क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं भाग जाऊं, I felt, मुझे लगा कि मैं जल्दी से दौड़ के, like running out, okay, मुझे लगता था कि मैं पहले भाग जाऊं, and but I soon recalled that all snakes are not venomous. फिर मुझे लगा कि मुझे याद आया कि ये सारे, मैंने जैसे आगे पढ़ा था तो मुझे लगा कि सारे snakes तो ऐसे venomous नहीं होते। बट what is the meaning of venomous? Venomous मतलब का हुआ है V-O-N-O-M-O-U-S। इस word का meaning है venomous। Venomous इसका sound है, इसका meaning है poisonous। Poisonous मतलब जहरीला। फिर मुझे रियली लगा कि ये सारे सांप तो ऐसे जहरीले नहीं होते हैं, वेनोमस नहीं होते, तो फिर मैं क्यों भागू। देन आई गैदर्ड करेज, फिर मैंने हिम्मत जुटाई, गैदर्ड करेज एंड स्टेड बैक विदाउट मेकिंग नॉइज। बच्चों देखो, जब कभी इस तरह से स्नेक ऐसी कुछ चीजें निकले तो हमें डरना नहीं चाहिए और आवाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जीव रहते हैं वो भी हमसे डरते हैं, तो हमें इतनी आवाज और इसको हमें इंजर्ड नहीं करना चाहिए। ओके, विदाउट नॉइस और विदाउट मूवमेंट उसको ऑब्जर्व करो पहले, उसकी मूवमेंट को कि वो क्या करना चाहता है, हमारी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, मारना चाहता है, इस तरह से आप जरा उसको पहले ऑब्जर्व करो। अगर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता तो हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और स्नेक्स को देख समझने के लिए हमने पहले देखे कि सारे स्नेक्स इस तरह से जहरीले नहीं होते, तो आपने किस तरह से उससे खुद का बचाव किया, पहले उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, आप कैसे पता चलाएंगे कि ये जहरीला है कि नहीं, तो हमने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसको कैसे, उसका कलर, फिर उसके फीचर्स वो देख के हम पता चलाता है कि उसका चेहरा देख के कि ये किस टाइप का इसका फेस है, जो है, और ये जहरीला होता है कि नहीं। जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया कि उसकी स्किन के ऊपर जिस तरह से जो स्ट्रिप्स रहती है ना, उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप का स्नेक है और फिर ये जहरीला है कि नहीं, राइट। फिर आपने क्या किया, आपने किसी को कॉल किया, किसी को आवाज़ देके बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया, या तो फिर फोन किया जैसे स्नेक पकड़ने वालों को, वो आके ले गए। तब आप क्या करेंगे, या तो खुद ने कुछ किया, जैसे हम दो लकड़ी लेके उसको फिर उठा के हमने बाहर फेंक दिया इस तरह से, कि उसकी साइज क्या थी, क्या कलर था, ये सब चीजें आपको यहाँ डिस्क्राइब करनी है। ओके, देन शेयर योर डिस्क्रिप्शन। अब आपको आपका डिस्क्रिप्शन अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है एंड
Can your classmate guess which snake you described? If not, added a new detail to your description and try again. अब आप देखें कि आपके क्लास के सारे बच्चों ने भी किस तरह से किया. अभी तो पहले आप अपना राइट कीजिए एंड डिस्क्राइब कीजिए पहले. ओके, नाउ वी कम टू द एक्टिविटी सिक्स. नाउ एक्टिविटी सिक्स. द हाईली वेनोमस स्नेक शोन इन द स्नेक पिक्चर इज अ टेक्सास कोरल स्नेक. यहां हमें बताया है कि जो हाईली जहरीला वेनोमस मतलब पॉइजनियस जो स्नेक रहता है, सोन इन द स्नेक पिक्चर में हमने जैसे देखा, इज अ टेक्सास कोरल स्नेक. कौन सा स्नेक रहता है? टेक्सास कोरल स्नेक. टेक्सास कोरल स्नेक्स हैव रिंग्स ऑफ ब्लैक, येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज. ओके, टेक्सास कोरल स्नेक्स का क्या है फीचर्स उसके, कि उसकी बॉडी पर जो रिंग्स बनी रहती है उसमें ब्लैक, येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज रहती है रिंग. द येलो रिंग्स आर वेरी थिन कंपेयर टू द ब्लैक एंड रेड रिंग्स. ओके, एंड द रेड रिंग्स ऑफ टेक्सास कोरल स्नेक्स टिपिकली हैव स्कैटर्ड ब्लैक स्पैकल्स इन देम. ओके, एंड द लास्ट सेवरल इंचेस ऑफ द टेल, उसकी जो पूंछ जो नीचे से पतली रहती है, तो लास्ट सेवरल इंचेस ऑफ टेल के जो सेवरल इंचेस रहते हैं ऑफ द टेक्सास कोरल स्नेक कंटेन सेवरल रिंग्स ऑफ ब्लैक एंड येलो विदाउट द रेड रिंग्स. तो पूंछ में जब पीछे जाएंगे उसमें फिर रेड नहीं रहेगी, एकदम ज्यादा एक साथ मिली जुली एकदम पतली सी रहती है, तो एकदम पास पास में आपको ब्लैक एंड येलो रिंग्स ही मिलेंगे, उसमें रेड नहीं मिलेगी. रेड एंड येलो बैंड्स टच एंड द कोरल स्नेक्स हेड और नोज इज टिपिकली ब्लैक. और जो उस कोरल स्नेक्स का हेड और नोज रहता है वो टिपिकली ब्लैक रहता है. एंड द टेक्सल कोरल स्नेक्स हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ. ओके, उसके जो ये बताया है कि फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है कि फिक्स्ड फैंग्स, उसके जो स्नेक्स के जो कोरल स्नेक्स के स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स. फिक्स्ड मतलब फैंग्स का मतलब होता है जो टूथ, एकदम शार्प टूथ उसकी, जो जिसको हम कैनन टूथ कहते हैं, जैसे डॉग और वुल्फ के रहते उस टाइप के, इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ, उसके माउथ के फ्रंट में रहते हैं. ओके, तो ये हमें एक टेक्सास कोरल स्नेक्स के बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है. नाउ वी हैव लर्नड अ न्यू वर्ड. व्हाट डज वेनोमस मीन्स? वेनोमस का मतलब होता है पॉइजनियस, जहरीला सांप, राइट? ये सबसे जहरीला सांप रहता है. नाउ वी हैव गिवन, रीड द डिस्क्रिप्शन अबाउट केयरफुली एंड लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द स्नेक्स. यहाँ हम एक जो स्नेक की पिक्चर दी हुई है उसको देखिए, और जो यहाँ जो डिस्क्राइब किया हुआ है टेक्सास कोरल स्नेक का उसको पढ़ना है. एंड व्हिच स्नेक डू यू थिंक द पैराग्राफ डिस्क्राइब. ओके, तो हमें इसका यहाँ लिखना है. आई थिंक स्नेक नंबर, जो हमने आगे चार देखे उनमें से एक कौन से नंबर का स्नेक था, किसकी डिटेल यहाँ हमें दी हुई है, इज द डेंजरस टेक्सास कोरल स्नेक. तो आई थिंक द स्नेक नंबर थ्री, जो हमने पिक्चर देखी थी आगे उसमें जो थ्री नंबर का स्नेक था ये वाला, जैसे हम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो थ्री नंबर का स्नेक हमारा, सॉरी दिस वन, ये वन टू एंड थ्री, ये जो स्नेक है वो टेक्सास कोरल स्नेक का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आई थिंक द स्नेक नंबर थ्री इज द डेंजरस टेक्सास कोरल स्नेक. ओके, नाउ आस्क अदर क्लासमेट्स टू फाइंड आउट व्हाट दे थिंक एंड राइट द रिजल्ट इन पैराग्राफ. ओके, अब हमें इस पैराग्राफ के अंदर इसको राइट करना है कि वो क्या समझे है और क्या नहीं. अब आपको यहाँ लिखना है कि यहाँ स्नेक के नंबर दिए 1, 2, 3, 4 जो हमने एक्टिविटी 4 में देखे. तो फर्स्ट स्नेक को कितने बच्चों ने यहाँ पर किया उन सबका नाम, सेकंड का किस क्लासमेट ने आपको यहाँ चूज किया, वैसे थर्ड और फोर्थ का यहाँ नाम लिखिए, एंड हाउ मेनी क्लासमेट्स एग्री विथ यू. ओके, विथ मी मतलब यू, आपके साथ कितने बच्चों ने एग्री किया, एंड हाउ मेनी क्लासमेट्स डिसएग्री विथ मी, तो अब इनमें से कितने बच्चों आपके साथ एग्री किए, थ्री नंबर का स्नेक है जो हमने टेक्सास स्नेक ऊपर लिखा हो, कितने बच्चों ने नहीं, ये हमें एक्टिविटी यहाँ
करनी है. ओके नाउ चिल्ड्रन एक्टिविटी 7. लुक एट द टू ड्रॉइंग्स ऑफ एंडेंजर्ड सी टर्टल्स. यहां हमें टर्टल्स की दो पिक्चर्स दी हुई है. टर्टल मीन्स कूर्म या तो कछुआ. ओके टर्टल. यहां हमें टू डिफरेंट टर्टल की पिक्चर्स दी हुई है. नाउ लुक एट द इंस्ट्रक्शंस. लुक एट द टू ड्रॉइंग ऑफ एंडेंजर्ड सी टर्टल्स. एंडेंजर्ड का मतलब होता है वो आर इन डेंजर्स और क्लोज टू एग्जिस्टेंस एंड दे आर नॉट वेरी मेनी ऑफ दैट टाइप ऑफ एनिमल्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड. एंडेंजर्ड मतलब अब हमें ये प्रजाति ज्यादा मिलने को नहीं मिलेगी और ये खत्म होने पर आई हुई है, वो डेंजर में है. ऐसे सी टर्टल्स के दो पिक्चर्स दिए हुए. नाउ कंपेयर द टू ड्रॉइंग्स एंड राइट सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब हाउ दे आर डिफरेंट. ये एक दूसरे से कितने डिफरेंट है उसको हमें डिस्क्राइब करना है. यूज द वर्ड्स यू रॉट एंड सम वेज ऑफ कंपेयरिंग टू डिस्क्राइब फोर डिफरेंट बिटवीन दीज टू टर्टल्स. इन दो टर्टल के बीच में हमें क्या उसके अंदर कंपेयरिंग करना है, क्या उसके वर्डिंग है, हमें यहाँ अलग अलग से उसको करने. नाउ लुक एट टू पिक्चर्स. दिस इज अ लॉगर हेड सी टर्टल एंड दिस वन इज अ ग्रीन सी टर्टल. द लॉगर हेड सी टर्टल इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन सी टर्टल इज सेवरल वेज. फर्स्ट इज दिस. अभी ये दोनों टर्टल में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं. लॉगर हेड का मतलब है, हेड मतलब सिर और लॉगर मतलब लार्ज. लार्ज हेड यहाँ पर हमें एक टर्टल मिला है और ये है ग्रीन सी टर्टल. अब इन दोनों का हमें लिखना है और किस तरह से, यहाँ देखिए आपको नीचे दिया हुआ है. फर्स्ट इज इट हैज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके मिलेगा. तो फर्स्ट क्या हमें उसमें मिला वो हमें लिखना है कि फर्स्ट क्या इन दोनों में डिफरेंस है. फर्स्ट इट हैज लार्ज हेड. ओके क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इट हैज अ लार्ज हेड विथ ब्लंट जो. कैसा जो है इसका, ब्लंट जो है. व्हाइल द हेड ऑफ द ग्रीन सी टर्टल इज लिजार्ड लाइक. इसका सिर हमें कहते हैं लिजार्ड के जैसा, छिपकल के जैसा लगता है और इसका वाइड है ना, लार्ज हेड है इसका, इस तरह से लगता है. विद द हुक्ड बिक, इसकी बिक जो है वो हुक्ड बिक एंड टूथलेस जो, हमें इसकी जो जो है वो टूथलेस लगती है. करेक्ट. नाउ सेकंड हमें उसमें क्या डिफरेंस. सेकंड द कैराफेस. कैराफेस, कैराफेस का मतलब होता है द टॉप हाफ ऑफ द शेल. उसका जो ये शेल है उसका टॉप हाफ ऑफ द ये लॉगर हेड सी टर्टल इज अ रेडिस ब्राउन कलर. इसका टॉप हाफ कलर कैसा है, रेडिस ब्राउन कलर का है, रेडिस ब्राउन कलर. और वाइल द कैराफेस ऑफ द ग्रीन सी टर्टल इज स्मूथ है, उसका स्मूथ है. ओके एंड स्मूथ एंड ग्रे ग्रीन ब्राउन और ब्लैक रहता है इसका, और इसका सिर्फ हमें ब्राउन कलर में, रेडिस ब्राउन में मिलता है. और थर्ड डिफरेंस ये है द प्लास्ट्रोन ऑफ द लॉगर हेड सी टर्टल इज येलो व्हाइल द प्लास्ट्रोन ऑफ द ग्रीन सी टर्टल इज येलो इज व्हाइट. द पैट्रोन का, प्लास्ट्रोन का मतलब होता है कि बेली, उसका जो ये बेली का पार्ट, जैसे ऊपर तो यहाँ हार्ड शेल का हार्ड पार्ट रहता है, फिर जो बेली पार्ट रहती है उसकी मतलब पेट का हिस्सा वो प्लेन रहता है. ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं एक पिक्चर में. ये देखिए ये पिक्चर है हमारे लॉगर हेड सी टर्टल की, जो हमने इसमें डिस्क्राइब किया था कि उसका जो फर्स्ट यानी हमने देखा था कि उसका हेड जो होता है वो लार्ज हेड एंड विथ ब्लंट जोज रहता है. ओके उसका जो जो है ब्लंट रहता है. एंड द सेकंड थिंग उसकी है कि लॉगर हेड सी टर्टल इज अ रेडिस ब्राउन कलर व्हाइल ओके उसका जो कैराफेस है, जो कैराफेस वो रेडिस ब्राउन कलर का रहता है. और जो प्लास्ट्रोन उसका जो है मतलब उसके पेट का पार्ट जो हम देख सकते हैं यहाँ नीचे, उसका पेट का पार्ट, पेट कहाँ होता है उसका,
तो मतलब बेली उसकी वो येलो कलर की रहती है। ओके एंड जो ये जो लॉगर हेड सी टर्टल जो हमें दिखाई देते हैं, हैज फाइव पेयर ऑफ कोस्टल स्कल्स की, द फर्स्ट टचिंग द न्यूकल स्कल्ट। तो ये हुआ हमारा लोगर हेड टर्टल। नाउ अब हम देख सकते हैं एक दूसरा भी हमारा, जैसे इसको कहते हैं हम ग्रीन सी टर्टल, और इसको हमने ऐसे डिस्क्राइब किया था कि ये जो टर्टल है उसका जो फेस है, जो टर्टल इज लुक लाइक हेड लाइक लिजार्ड। ओके लिजार्ड एंड द हुक्ड बिक एंड टूथलेस जो है इनका, आप देख सकते हैं उसके, और उसके ऊपर जो यहाँ जो कलर्स दिए हुए हैं उसकी बॉडी के ऊपर, तो उसका जो कैरा फेस जिसको कहते हैं हम, वो दो स्मूथ एंड ग्रे ग्रीन ब्राउन और ब्लैक रहता है। हमें दिखाई देते हैं इसके कलर्स इसमें, और उसका जो बेली पोर्शन है जिसको हम प्लेस्ट्रोन कहते हैं वो येलोइश वाइट रहता है। ओके बच्चों, तो ये हमने कुछ उसको डिस्क्राइब किया है इस तरह से दोनों टर्टल को। नाउ यू हैव टू राइट हियर द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टू टर्टल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फाइनली आपने जो भी उसके कंक्लूजन लिखा वो हमें यहाँ लिखना है। सो द ग्रीन सी टर्टल इज फाइव सेंट्रल स्कल्स एंड फोर पेयर ऑफ लेटरल स्कल्स, इस तरह से हमें यहाँ दिया हुआ है। नाउ आस्क अदर क्लासमेट टू फाइंड आउट व्हाट दे थिंक एंड राइट द रिजल्ट्स इन द पैराग्राफ। बच्चों ये आप इंटरनेट का यूज करके दोनों लॉगर हेड सी टर्टल एंड ग्रीन सी टर्टल को आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, इसके डिफरेंस, इसके कलर जो हमने डिस्क्राइब किया है, जो हम आपको वर्कशीट में भेजेंगे उसका डिस्क्रिप्शन, आप उसको देख के आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं और इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके देन, ओके नाउ वी हैव कंप्लीटेड हियर एक्टिविटी 7 हियर एंड नेक्स्ट एक्टिविटीज वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके टिल देन, बाय एंड प्रैक्टिस।